आईपीएल 2021 के फेज टू में चेन्नई सुपर किंग्स पॉइंट टेबल में दूसरे नंबर पर मौजूद है। चेन्नई सुपर किंग्स ने फेज टू में मुंबई इंडियंस टीम के खिलाफ अपना पहला मुकाबला जीत कर अपना असली दम दिखा दिया था। ऐसा लग रहा है कि इस बार चेन्नई सुपर किंग्स को खिताब जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इस बार आईपीएल चेन्नई सुपर किंग्स अपने नाम करेगी? तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। चेन्नई सुपर किंग्स इस बार फाइनल तक का सफर कुछ खिलाड़ियों के बिना ही तय कर सकती है। सीएसके टीम के हेड कोच स्टेफिन फ्लेमिंग ने ऐसे संकेत दिए हैं जो कई खिलाड़ियों के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। कौन है वह खिलाड़ी जो सीएसके के भरोसे पर खड़े नहीं उतरे, आइए हम आपको बताते हैं। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और साथ ही दोस्तों, एमपीएल पर लूट मची हुई है क्योंकि अब एमपीएल पर फैंटेसी क्रिकेट खेलकर हर दिन जीत सकते हो एक आईफोन। मेरे किसी सब्सक्राइबर को मिल गया तो मजा ही आ जाएगा। लाखों जीतो करोड़ों जीतो, ये तो सभी फैंटेसी ऐप बोलते हैं, पर आपने कभी जीते क्या? एमपीएल की यही बात तो जबरदस्त है कि इस पर कोई फ्रॉड नहीं है, इस पर है रियल पीपल रियल मनी, और हाँ भाई, रियल विनर भी। आप भी फ्रॉड और झूठे वादों से बचे सीधे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर एमपीएल को डाउनलोड करें। साथ ही इस वीकेंड आपके लिए ₹29 में किसी भी ग्रैंड कॉन्टेस्ट को खेलने का मौका है। ऑफर लिमिटेड है, इसीलिए मैंने तो बहुत सी टीम बना डाली है और मेरी टीम आप स्क्रीन पर देख रहे हो। वेट मत कीजिए, आप भी एमपीएल पर अपनी टीम बनाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आईपीएल 2021 के फेज टू की अगर बात की जाए तो मोइन अली, सुरेश रैना, वानिंदू हसरंगा और सैम करन फाइनल तक के सफर में चेन्नई के साथ रह पाए, यह बड़ा मुश्किल है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो जरा स्टेफिन फ्लेमिंग की इस बात पर गौर जरूर कीजिएगा। स्टेफिन फ्लेमिंग ने कहा कि इस बार चेन्नई सुपर किंग्स फाइनल का खिताब जरूर उठाएगी। चेन्नई सुपर किंग्स फाइनल का खिताब उठाने के लिए कुछ भी करेगी। जिन खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद नहीं होगी उनको सीधे टीम से बाहर रखा जाएगा ताकि चेन्नई को दुबई में खिताब जीतने से कोई रोक न पाए। स्टेफिन फ्लेमिंग की बातों का कनेक्शन मोइन अली, सुरेश रैना, वानिंदू हसरंगा और सैम करन से इसलिए क्योंकि फेज टू में सभी खिलाड़ियों ने कोई खास कमाल अब तक नहीं दिखाया है। ऐसे में इन खिलाड़ियों की जगह पर कुछ नए चेहरे टीम की प्लेइंग 11 में आप लोगों को दिख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। अब आप लोग कमेंट में बताएं कि फ्लेमिंग की बातों का असर किन खिलाड़ियों पर पड़ेगा। और साथ ही एमपीएल पर टीम नहीं बनाई तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर ऐप को डाउनलोड करें और अपनी टीम बनाएं, और साथ ही मौका पाएं आईफोन के साथ साथ कैच जीतने का मौका।